दुबई से निकली हुई इंडिगो की यात्री त्रिवेंद्रम सेफली पहुंच चुकी है त्रिवेंद्रम। और दूसरा क्या एयरपोर्ट का नाम था, टिकट बुक करने के टाइम पे हम लोग कितने कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि त्रिवेंद्रम सेलेक्ट किया था और आ रहा था तिरुवनंतपुरम। सो दिस एयरपोर्ट हैज टू नेम्स। कावत के लिए खेदी, ये प्लेन वापस रुक गई है। हेलो, क्या जिंदगी हो गई है भाई, प्लेन नहीं चल रही बेटे, मौज कर दी। मैं इसको ये बोला रही काम कर पाली को पीछे बैठ करके हमें उड़ाते करके YouTube पे वीडियो चला रहा था 15 मिनट का ट्यूटोरियल। YouTube इज अ टीचर, टीचर्स एवरीथिंग। मैं प्लेन उड़ाना भी सिखाते ही हो गया यार हमसे भाई, अपने सिमुलेटर भी है घर पे सीखे बोले तो। मैं बाइक पे आऊंगी, वैसे भी केरला जाके तो पहुंचेंगे भी नहीं केरला। ओए भाई भाई बैग गई अपनी, पति कितनी ऑरेंज कलर की जा रही है। वो शिट मेरी बैग जा रही है, वो शिट मेरी बैग जा रही है। Thing after like a really long time ki blue sky dikhai de raha hai yahan par, I can feel Kerala vibes. I've been invited by Kerala tourism over here this time. I hope things go right, fingers crossed. Airport mein ek cheez batane ka tha, pehle pehle hum log clip zaar thi karke plane chal nahi rahi karke fir se chalne ko lage fir band ho gayi, banda bhadak gaya full. और उतरने के टाइम मेरे को ओमनी बैठा था मेरी लैम्बोर्गिनी, अरे भाई मेरा क्या डिसमेंटल कर रहा है। एक्चुअली H2R चला रहा है वो और देयर इज नो ब्रेक टू इट, एंड उसने जिस तरीके से मतलब रेस देके जो एरोप्लेन उड़ाई है, आई लाइक गणपति बापा मोरिया प्लीज सेफली पहुंचा दे करके। एंड उतरने के टाइम पे लैंडिंग के टाइम पे एक्चुअली प्लेन खाली था, इतने सारे लोग नहीं थे, आई थिंक देयर वर हार्डली 25 फर्स्ट, इसलिए सामान भी कम था। तो पूरा जो मटेरियल था इनके अंदर का पूरा था, दैट कैबिनेट एवरीथिंग वाज ऐसे हिल रहा था। अगेन गुड न्यूज दैट विल बी अपलोडिंग डेली व्लॉग्स, एंड डेली व्लॉग्स एडिट करने के लिए एंड अपलोड करने के लिए ताहा इज गोइंग टू हेल्प मी आउट इन दैट। एंड उसको ऐसे ये नहीं होता है, मतलब बिना माउस और बिना कीबोर्ड के उसको चलता नहीं है, नहीं चलता है भाई। तो देखो माउस लेके आया पर का कितना, सिर्फ कितने का है, 150 रुपए का उसने खाली वाली कर दिया, इसने आते ही 150 रुपए खर्चा। यहाँ पर मैंने खाना नहीं खाया पता है, शिट मैंने प्लेन में खाया नहीं, मैंने एयरपोर्ट पे खाया नहीं पता है, और इसने 150 रुपए का माउस ले लिया। मेरी मम्मी ने मुझे टिफिन पैक करके दिया था, मैंने कार में टिफिन ओपन किया, 2 स्पून खिचड़ी का खाया, बहुत गर्म था इसलिए मैं सोची एयरपोर्ट पे जाके खाऊंगी, बट जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे टिफिन कार में ही छूट गया। मम्मी ये देख रही थी तो सॉरी, मैं एक्चुअली नहीं बताने वाली थी, फिर मैं वाली बताई दी थी करके, एक हफ्ता दूर है मम्मी मेरे से बार बाद में पड़ी, तब तक भूल भी जाऊंगी मैं, घर पे पहुंचूंगी तब तक। एयरपोर्ट से होटल तक की जर्नी मतलब क्या ही बताओ क्या थी करके। बाय द वे दिस होटल लुक्स अमेजिंग, द नेम ऑफ द होटल इज UDS, इट इज रिटन राइट बिहाइंड मी। सबसे पहले हम लोग को बोला था कि जो मेरी बुकिंग है वो एक आइलैंड पे है, फिर सेकेंड बोला था होटल मास्कॉट में है, फिर वहाँ से चेंज करके उन्होंने मुझे यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। मतलब थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन में पंगे हो गए थे, बट फाइनली आई एम एट UDS। कितनी शांति है यार, बहुत ही शांति है, इतना सन्नाटा क्यों छाया है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ढोल वोल लेके हमारा स्वागत करना चाहिए था, यहाँ पर एकदम चुप्पी छा गई। इसका भी ब्लॉग बनेगा, मैंने इनको बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि मुझे बड़ा रूम चाहिए जिसमें 2 रूम रहेगा करके, एंड ट्विन शेयरिंग रूम बोला था मैंने, ये लोग ने हमको ला के दे दिया ट्विन शेयरिंग बेड। अब ओके भाई दूसरा रूम देखने को जा रहा है, हम गाड़ी में घूमे अब हम होटल में घूम रहे हैं। मैं तुमको बताती हूँ ये होटल में तो भूल भुलैया वाला पार्ट 2 है, एक्चुअली ये पार्ट 1 होना चाहिए था। चलो अपना काम हो गया, रूम टूर, ये हमारा छोटा सा बेड, यहाँ पर मैं अकेले सोने वाली हूँ, जहाँ को आज गेट आउट कर दिया है, मतलब ये रूम ही जिल्लत नहीं है उसके लिए, एक बेड। मैं बोल रही थी मैं नीचे होती बट वो जिद कर रहा है, वो सो रहा है। एंड मास्क उतार देता अभी वो, हाँ यार हद हो गई यार, मास्क पहन ही रखा है मैंने, अभी आदत से मजबूर हो गया रूम के अंदर, और आई कैन ऑब्वियसली रिमूव माय मास्क, दिस इज हाउ आई एम लुकिंग टुडे विद लिपस्टिक एंड ज़ेरो मेकअप,
फ्रॉम आवर बालकनी। शांति तो थी यहाँ पर पहले से, अभी यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट वाली रूम लिया, यहाँ पर और भी शांति है। व्यू व्हाट वी हैव राइट नाउ इज स्विमिंग पूल, एंड यहाँ से सीधा बीच दिखाई देता है, दैट यू विल सी इन अदर व्लॉग। अभी के लिए बस आवाज सुनो एंड अपन फील करेंगे। हाँ, बाय द वे यू कैन एक्चुअली गो ऑन द बीच, बट बीच इज ओपन ओनली टिल 9 o'clock। तो अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट और बीच इज मोर इम्पोर्टेंट। वैसे देर आर मेरी एडवांटेज ऑफ कमिंग इन अ होटल एंड स्टेइंग, बट वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज दैट आई लव इज डेफिनेटली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, एंड जो दूसरा है वो है ये दूध का पाउडर खाने को मिलता है। मेरी मम्मी जब छोटी थी तब वो चोरी करके खाती थी, ऐसे मुझे बोलती थी, एंड उसकी आदत मुझे लग गई। वी हैव पेड फॉर इट। Look at this steps which goes to heaven। हमने थोड़ा सा निकले कि होटल का टूर भी कर लिए एंड बीच भी देख लिए जाकर, बिकॉज 9 o'clock तक की बीच ओपन है। No, I always gotta go. Playing house, this ain't a home with my soul. On the road, I can't stay. No, I always gotta go. जब मैं लास्ट दो बार आई थी ना, मेरे साथ खाने के साथ खाने को लेके मतलब बहुत बड़ा धोखा हो गया था, ना इंसाफी हो गई थी, बट ये बार द फूड इज लाइक यम, इट्स गुड। से आई शो यू एक्चुअल केरला, यू गाइस आल्सो एंड शो हिम आल्सो। आते रहते अपन केरला, आते रहते गिरते पड़ते रहते यहाँ पर। डिनर मतलब हम खाते ही क्यों है? Tell me why. Why do we eat dinner? भरने के लिए। Good. Why do you guys eat dinner? Please comment down in the below section. Please comment down in the comment section below. अरे भगवान, मैं अभी क्या बोल रही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं डिनर क्यों खाती हूँ? डिनर के बाद हमको मिलता है डेजर्ट। इट्स डेजर्ट टाइम। ताब रो अपने साथ है, इसलिए मैंने मतलब जितने भी डेजर्ट है मतलब सब एक एक करके प्लेट में डाल देंगे, अपन आधा आधा खाएंगे। इससे क्या होता है मतलब मांडोली होती है, यू गेट टू टेस्ट एवरी थिंग एंड बस इतना ही। सो यही एडवांटेज होता है डेजर्ट का होने का, वेस्ट नहीं होता है, सब खाने मिलता है। वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए मैं नहीं खा सकती, बट अगर नॉन वेजिटेरियन अगर ये चीज़ देखते हैं, एक्चुअली नॉन वेजिटेरियंस नहीं, जिनको सी फूड खाना बहुत पसंद है, ओ माय गॉड, टुरु लव हो जाती है उनको, दिस इज जन्नत फॉर देम। प्लीज डू नॉट ईट एनिमल्स। हाँ, ताहा नॉन वेजिटेरियन है बट उसने आज वेज खाया हुआ है। आई वांट टू शो यू गाइस वन थिंग दैट इज, अबे नकली है वो। तो देखो असली, मेरे को भी पहला असली। हेलो कर क्या उसको? ओ कर क्या? अब ये मैं डरा हूं ना मैं। आमी जे तुम इन योर हार्ट पहनाने के लिए पहन तो ले हार। इमेजिन कर रात में आती है यही अभी मुंह पे। वो क्या कर वो जा कर इतना डर 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 तो भाई विंडो से सीधा कूद के सीधा भाई सीधा पूल के अंदर पड़ी थी और तो सो भी रहा है गैलरी के पास। दैट इज स्विमिंग पूल। जाने की इच्छा बहुत है बट हम नहीं जा सकते। नसीब तो खुल ही गया यार हमारे, इट इज 9:30 एंड वी आर ऑन द बीच। ये अलाउड नहीं बोला था यार, कुछ तो रीजन होगा ना, मे बी वो आती थी कि यहाँ पर 9 बजे के बाद वेट कर रही थी, तेरा ही वेट कर रही थी वो। केरला में देखने के लिए देर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई विल शो यू इन द नेक्स्ट कमिंग व्लॉग्स। नेक्स्ट व्लॉग्स होने वाले 7 बैक टू बैक डेली व्लॉग्स। आई एम गोना स्ट्रगल एंड स्लॉग एनी हाउ, दिस इज अ पनिशमेंट टू मी दैट आई गिवन टू माई सेल्फ, बिकॉज इतने दिन से, इतने महीने से, साल से भी बोल सकती हूँ, लास्ट ईयर आई थिंक मैंने कुछ अच्छा काम किया था नहीं, ये साल मैंने कुछ व्लॉग्स अच्छे वाले बनाए नहीं है। ऑलराइट गाइस, इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग विद मी। तहा अपने साथ है एंड तहा की जो आइटम अभी नई मिली हुई है, जो उसका इंतजार कर रही है, बुला रही है, इसलिए मुझे जल्दी ब्लॉग एंड करना है। यार रात को आएगी, मेरे को पक्का लग रहा है आएगी, मिलने वाला है। यार एक काम कर ले, तू कमरा ही चेंज कर ले। सो गाइस, ऑलवेज दिस इज रेडिकल विशाखा साइनिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ द, आई एम गोना सी यू गाइस इन अदर व्लॉग। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट फ्रॉम द व्लॉग एंड शेयर अक्रॉस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। डोंट फॉरगेट अगेन, आवर मिशन हैव स्टार्टेड, मिशन 1 million and daily vlogs definitely. Bas guys, that's it till then, keep calm and koi gumnaam hai koi
और मुझे आगे का गाना नहीं आता। ने 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 ने। भाई सच्ची में लग रहा है, पागल मत कर भाई।